हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आप टॉप 10 क्लासेस पर एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में आइडियल और नॉन आइडियल कहने का मतलब आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में चर्चा कर लिया था और आज हम चर्चा करेंगे बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए बच्चों, सबसे ही क्लियर है अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब अणुसंख्यक। तो अच्छा, अणु मतलब क्या हो गया? अणु हो गया आपका, और संख्यक मतलब क्या बच्चों? संख्या हो गया। तो ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अब क्वेश्चन उठा बच्चों, ये भौतिक गुण होते हैं, ये रासायनिक गुण होते हैं। तो ये बच्चों याद रखिएगा, भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो कहने का मतलब निकला, ऐसे भौतिक गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो कहने का मतलब, ऐसे गुणधर्म जो अवाष्पशील, यहां बच्चों विलय लिखते हैं अभी, जो विलय मतलब अवाष्पशील के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आपका जानेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन है बच्चों। तो आओ सीखें। जैसे कि बच्चों यहां पर हम आपका एक कंटेनर ले रहे हैं, एक आपका वेसल ले रहे हैं बच्चों, और इसमें हमने क्या भर दिया? आपका जल भर दिया। इसमें बच्चों हमने क्या भर दिया? आपका जल भर दिया। इसमें क्या आपका वाटर है? H2O है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अब इसमें हमने जल भर दिया, अब इसको बच्चों हमने क्या किया? गर्म करना स्टार्ट किया। यहां बच्चों हम क्या कर रहे हैं? इसे गर्म कर रहे हैं। और जैसे जैसे बच्चों हम गर्म करेंगे, तो वैसे वैसे कुछ तो वेपर इसके पैदा होगी, वैसे वैसे बच्चों आपका वेपर भी क्या होगी? बढ़ेगी, मतलब वेपर आपका बनेगा। क्या इतनी बातें समझ में आई बच्चों? जब हम जल को गर्म कर रहे हैं, वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या बनना? वेपर बनना है। अगर हमने यहां पर क्या डाल दिया, अब इसमें हमने, ये आपका जल था, ये आपका बच्चों क्या था? जल था। और जल में हमने क्या डाल दिया? सोडियम क्लोराइड NaCl डाल दिया। और जब NaCl डालेंगे तो इसकी सतह पर NaCl के भी अणु आ जाएंगे, कण आ जाएंगे, और जो आपकी वेपर बनेगी बच्चों, वह वेपर क्या बनेगी बच्चों? कम बनेगी। क्या इतनी बातें समझ में आई? तो वेपर क्या बनेगी आपकी? कम बनेगी। तो कहने का मतलब निकला, यहां पर वेपर ज्यादा, अगर यहां पर वेपर ज्यादा बच्चों, तो आपका जो वेपर प्रेशर होगा ज्यादा होगा। तो द्रव की सतह पर जो वेपर प्रेशर होगा बच्चों क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। और यहां पर वेपर कम, तो आपका जो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। मतलब निकला, आपने जब NaCl मिलाया, तो NaCl क्या होता है? अवाष्पशील होता है। NaCl क्या होता है? अवाष्पशील होता है। तो जब आप
वाष्पशील द्रव में कोई वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर वाष्प दाब कम हो जाता है। तो इसे अब क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब, और जो बच्चों यहाँ पर वाष्प दाब है और यहाँ का वाष्प दाब, तो कहाँ पर वाष्प दाब बच्चों ज़्यादा है, यहाँ पर कि यहाँ पर, यहाँ पर कम है यहाँ पर ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाष्प ज़्यादा है और यहाँ पर वाष्प कम है, और जहाँ पर वाष्प कम रहेगी वहाँ का वाष्प दाब कम रहेगा। तो मतलब क्या निकला, जब हमने वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो हमारा वाष्प दाब कम हो गया, हमारा वेपर प्रेशर कम हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये बच्चों पहला आपका गुणधर्म है कि हमने क्या देखा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन मतलब क्या होता है बच्चों, घटना। यहां पर हमने क्या देखा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन देखा। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब बात करते हैं बच्चों आपकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। जैसे बच्चों यहां पर हमने जल लिया, यहां पर बच्चों हमने क्या लिया, जल लिया, और यहां पर आपका वाटर है। अब इसको हमने क्या किया बच्चों, गर्म करना शुरू किया। बच्चों इसका कुछ ना कुछ वेपर होगा, इसका कुछ न कुछ क्या बच्चों, आपका वेपर होगा। और यहाँ पर हम इसे क्या कर रहे हैं, गर्म करना बच्चों शुरू कर रहे हैं। अब जब गर्म करेंगे बच्चों तो यह एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर यह उबलने लगेगा, जिस पर यह क्या होगा बच्चों, उबलने लगेगा। अब क्वेश्चन उठता है कब ये उबलेगा, कब ये क्वथन करेगा। तो बच्चों आपको पता है कि इसके चारों तरफ क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होगा, एटमॉस्फेरिक ठीक है बच्चों। अब जैसे बच्चों ये आपका क्या है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर हमने द्रव भर रखा है। अब जब हम इसको गर्म करेंगे बच्चों तो आपका क्या बनेगा, वेपर बनेगा। और जब ये वेपर प्रेशर आपके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो ये आपका द्रव क्वथन करना स्टार्ट कर देगा, उबलना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि मतलब यहाँ पर हमने लिख लिया आपका वायुमंडली, वायुमंडली दाब। क्या लिख लिया बच्चों हमने, वायुमंडली दाब। और जब ये वायुमंडली दाब किसके बराबर हो जाए, इस वाष्प दाब के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए बच्चों, इस वाष्प दाब के बराबर हो जाए। जब वायुमंडली दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो आपका द्रव उबलने लगता है। तो बच्चों ये क्या करेगा, उबलने लगेगा, उबलने लगेगा। तो वह जो टेम्परेचर होता है जिस ताप पर उबलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका क्वथनांक बिंदु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो वह ताप जिस पर द्रव आपका उबलने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इसी प्रकार से हमने क्या किया, अब इसमें आपका जो लिक्विड था, जो आपका H2O था, जो आपका वाटर था, अब हमने फिर से इसे क्या किया, गर्म करना शुरू किया। लेकिन अब जब गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने से पहले इसमें हमने क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया। और जैसे NaCl मिलाया तो आपको पता है कि NaCl मिलाने के बाद तो NaCl के भी कुछ कण क्या आ जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे। क्या इतनी बातें समझ बच्चों। अब जब ये सतह पर आ गए, अब हम इसको जब गर्म करेंगे तो आपकी वेपर जो बनेगी, अब इतनी वेपर नहीं बन पाएगी जितना बन जा रही थी आपकी। ये आपकी जो वेपर बनेगी, यहाँ पर बच्चों और ज़्यादा वेपर दिखा दे रहे हैं आपको। तो अब जो वेपर, अब बच्चों हमने इसे गर्म करना शुरू किया, अब आपका वेपर बन रहा है, लेकिन अब वेपर उतना तेजी से आपका नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके सतह पर किसके कण है, NaCl के कण आ गए। और इसके सतह पर जो NaCl के कण आ गए बच्चों,
तो आपका अब वेपर प्रेशर जो आपका वाष्प दाब है, अब जो आपका वेपर प्रेशर है जो वाष्प दाब है, जो बच्चों इसका क्या है, वाष्प दाब है। अब ये वाष्प दाब इस वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होने में ज्यादा टेम्परेचर लेगा, ज्यादा हमें हीट करना पड़ेगा। अब ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा मतलब आपका जो क्वथनांक की बिंदु रहा बच्चों वह बढ़ गया, वह क्या हो रहा आपका बढ़ गया। मतलब क्या निकला, जब हम किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो हमारा क्वथनांक बिंदु क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों आपका, क्वथनांक का उन्नयन। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी निकली आपका, क्या निकला, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। तो ये क्या रहा बच्चों आपका, क्वथनांक का उन्नयन रहा। तो अब बात करते हैं बच्चों तीसरे कॉलिगेटिव बच्चों, हमने यहां पर एक द्रव लिया और इस द्रव को बच्चों हमें क्या करना, आपको जमाना है, फ्रिज करना है। इस सपोज करते हैं आपका क्या है, वाटर है, H2O है। अब इस H2O को बच्चों हमें जमाना है, तो आपको पता है जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट, जो हिमांक बिंदु होता है बच्चों क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जो शुद्ध जल का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमने इसी द्रव में क्या कर दिया बच्चों, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। सपोज करते हैं आपका हमने यहाँ पर आकर सुक्रोज मिला दिया बच्चों, क्या मिला दिया बच्चों आपका, सुक्रोज मिला दिया। अब जब बच्चों आपका सुक्रोज मिला देंगे तो आपका जो सतह होगा, जो द्रव की सतह होगी बच्चों, उसकी सतह पर आपके क्या आ जाएंगे, सुक्रोज की वजह भी कड़ आ जाएंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई बच्चों, इसकी सतह पर बच्चों क्या आ जाएंगे, द्रव के भी कड़ आ जाएंगे, सॉरी इसकी सतह पर बच्चों सोडियम क्लोराइड ले रहे थे, सोडियम क्लोराइड आपने लिया, सुक्रोज C12H22O11। अब इसकी सतह पर बच्चों इसके भी कड़ आ गए, क्या इतने बताया आपको समझ में आई। अब इसकी सतह पर इसके भी कड़ आ गए बच्चों, मतलब आपके अवाष्पशील विलेय मिलाया। अब आपको जो फ्रिज करना है, अब जो फ्रिज करने में हमारा जो टेम्परेचर रहेगा बच्चों, अब हमें 0 डिग्री सेल्सियस न जा करके और हमें क्या करने बा, और हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा बच्चों। मतलब आपका हिमांक बिंदु जो है घट गया बच्चों, अभी तो 0 डिग्री सेल्सियस था, अब बच्चों हमें क्या करना है, आपका टेम्परेचर को और कम करना है जिससे कि आपका ये जम जाए। तो मतलब आपका हमें हिमांक का अवनमन हो रहा है, हिमांक को और हमें कम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर बच्चों क्या रहा, हिमांक का अवनमन रहा, ये बच्चों क्या रहा आपका, हिमांक का अवनमन रहा। और एक प्रॉपर्टी और बचती है बच्चों, जिसको हम कहते हैं परास्तरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परास्तरण बच्चों। अब परास्तरण दाब क्या होता है बच्चों, और परास्तरण क्या होता है, जैसे कि हमने यहां पर एक क्या ले लिया, एक बच्चों यहां पर हमने क्या लिया, प्याला ले लिया, और इसमें क्या भरा हुआ बच्चों, जल भरा हुआ है, और इसमें बच्चों हमने क्या था, मटर डाल दिया या बच्चों ने चना डाल दिया। तो कुछ टाइम बाद देखेंगे ये मटर और चना क्या होंगे बच्चों, फूल जाएंगे, क्या ऐसा होगा। और ये फूल क्यों जाएंगे बच्चों, क्योंकि आपको पता है ये जो आपके जल होगा इसके अंदर बच्चों इंटर करेगा, और जो इसके अंदर इंटर करेगा तो ये आपके क्या हो जाए, फूल जाएंगे। अब यही प्रक्रिया, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, परास्तरण कहलाती है। ये प्रक्रिया बच्चों क्या कराती है आपकी, परास्तरण कराती है। और परास्तरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए बच्चों जो हम दाब लगाते हुए आपकी क्या होती है, परास्तरण दाब होती है। मतलब आपका जो चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है वो क्या हो सकती है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, और जो चौथा रहा बच्चों वो आपकी क्या है, परास्तरण दाब रहा। क्या रहा बच्चों, परास्तरण रहा। आपका क्या रहा बच्चों, परास्तरण दाब रहा। क्या इतनी बातें समझ में आई बच्चों, यहाँ से एक नंबर पूछेगा आपका,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो आप बताइएगा, आप देखिएगा उसने बच्चों चेक कीजिएगा क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले वास्तव आपका अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासर दाब। अगर इसमें से बच्चों आपको कोई मिला तो उसे आप टिक कीजिएगा और एक नंबर यहाँ से बच्चों आपका फिक्स हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों वास्तव दाब का अपेक्षिक अवनमन होता क्या है, चलिए इसके विषय में आपका चर्चा। हम बच्चों आपका मेडी लगा रहे हैं वास्तव दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपका यहां पर हम देखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए आपेक्षिक अवनमन क्या होता है और वाष्प दाब क्या होता है, इसके विषय में हम आपका चर्चा करते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए अब हमने यहां पर एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर बच्चों आपको क्या है, जल है, H2O है, तो इसका कुछ न कुछ बच्चों वेपर भी होगा, कुछ न कुछ वेपर भी होगा। अब इसको बच्चों ने क्या कह रहा है करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया, तो कुछ और वेपर फिर आपका बनना शुरू होगा और इसे बच्चों ने क्या किया, क्लोज्ड कर दिया। अब हमने इसको जो क्लोज्ड कर दिया बच्चों, तो आपका यहां पर क्या रहे, वेपर बने। अब जो ये बच्चों वेपर बना, ये इस पर क्या डालेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, द्रव की सतह पर क्या डालेगा, द्रव की सतह बच्चों क्या डालेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, प्रेशर डालेगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई। अगर बच्चों इसी में हमने क्या मिला दिया, आपका अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, तो मतलब कहने का इसकी सतह पर आपका क्या, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया बच्चों। अगर बच्चों हम आपका ये अवाष्पशील पदार्थ मिला दें और अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद बच्चों इस द्रव को हम गर्म करें, गर्म करें, तो आपका जो बच्चों वेपर बनेगी वो कम बनेगी। अब क्वेश्चन उठता कम क्यों बनेगी, क्योंकि आपको पता है इसकी सतह पर क्या आ गया, अवाष्पशील कण आ गए, और अवाष्पशील कण आ गए तो आपकी वेपर क्या बनेगी बच्चों, कम बनेगी। और आपकी वेपर जो कम बना, मतलब आपका वाष्प दाब में क्या हो गया बच्चों, अवनमन हो गया, आपके वाष्प दाब में क्या हो गया बच्चों, कमी हो गई। तो अब जो प्रेशर होगा बच्चों कम हो गया कि नहीं, अब आपका प्रेशर जो गया, प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो कम हो गया, मतलब आपके वाष्प दाब में क्या हुई, कमी हो गई। तो हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, जब हम शुद्ध वाष्पशील, जब हम शुद्ध वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील, द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो वाष्प दाब, तो आपका वाष्प दाब घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या इतनी बातें बच्चों समझ में आई आपको, तो आओ इसका हम अब डेरिवेशन कर लेते हैं कि वाष्प दाब के अवनमन के लिए फार्मूला क्या होगा। तो बच्चों जैसे हमने यहाँ पर आपका जो प्योर वाटर लिया था बच्चों, हमने मान लिया
इसका जो वेपर बना हुआ है और इन वेपर द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है बच्चों, वो हमने क्या मान लिया आपका पी नॉट है। देखिए आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं ना और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ पर लगाएंगे गलत है, यहाँ पर लगाइए चाहे यहाँ पर लगाइए। तो माना इस बिलियन का कि जो वाष्प है उनके द्वारा एग्जर्ट किया गया प्रेशर क्या है, पी नॉट है। और जब बच्चों हमने आपका हमने इसमें आपका अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, जब बच्चों हमने क्या मिलाया इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तो हम देख रहे हैं आपका जो प्रेशर है बच्चों क्या हुआ, घट गया। अब जो ये प्रेशर घट गया बच्चों, इसे हम आपका क्या रहे कर रहे हैं आपका पीएस। तो अगर आपको वो घटा हुआ प्रेशर वह आपका अनमन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस, क्या करेंगे बच्चों, तो आपका जो पी नॉट माइनस पी एस आपका क्या बताएगा, वाष्प दाब में कमी बताएगी। क्या बताएगा बच्चों, यह क्या बताएगा, वाष्प दाब में अनमन। तो वाष्प दाब में अनमन कितने का हुआ, पी नॉट माइनस पी एस हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अनमन, आपेक्षिक अनमन, तो इसके लिए क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं बच्चों, इनिशियली आपको बताना है कि आपेक्षिक अनमन कितना हुआ बच्चों। तो आपको पता है आपका जो इनिशियली स्टार्टिंग में जो प्रेशर था क्या माना है आपने, पी नॉट मान रखा है। तो आपका जो आपेक्षिक अनमन होगा क्या होगा बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट होगा। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसे बच्चों आप याद रखिएगा। ये फार्मूला बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। अगर बच्चों हम बात करें और आगे चलें तो जैसे कि हम देखें कि आपका इसके विषय में राउल्ट ने बताया, तो राउल्ट ने क्या बताया था बच्चों कि जो कोई वाष्पशील पदार्थ होता है उसका जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है वह उसके मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब निकला कि जो आपका विलयन होगा, जो आपका बच्चों विलयन होगा, इसे बच्चों क्वेश्चन नंबर एक मान ले रहे हैं, तो आपका जो विलयन का, तो राउल्ट के नियमानुसार बच्चों यहां पर देखें, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार जो बच्चों आपका पीएस होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन किसके बच्चों, विलायक के, किसके बच्चों आपका विलायक, पीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स विलायक काई विलायक। अब आपका यहां पर जब ये प्रोपोर्शनलिटी अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा बच्चों तो एक कांस्टेंट आएगा और वह कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों, पी नॉट आएगा आपका। तो मतलब क्या निकला, जो पी एस इक्वल टू क्या निकला बच्चों, पी नॉट इंटू क्या निकल गया बच्चों आपका, एक्स निकल गया। क्या इतनी बातें आई आपको समझ में। अब देखिए बच्चों यह क्या आपका विलायक है, ये क्या बच्चों आपका विलायक है, या आप क्या लिख सकते हैं पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू एक्स और विलायक। और आपको पता है बच्चों किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों का मोल प्रभास क्या होता है, वन होता है। मतलब आपके विलयन में विलय और विलायक है, मतलब एक्स विलय प्लस एक्स विलायक, ये दोनों का जो एडिशन होगा कितना होगा बच्चों, एक्स वन होगा। अगर यहां से आप एक्स विलायक लिखना चाहें तो एक्स विलायक इक्वल टू बच्चों क्या, वन माइनस एक्स विलय। मतलब आप यहां पर एक्स विलायक की बजाय ये रख सकते हैं तो क्या निकलेगा बच्चों, पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू वन माइनस एक्स विले,
वन माइनस एक्स विले। अगर बच्चों आपका एक्स विले हम लिखना चाहें, इसके आगे सॉल्व करना चाहें, तो क्या आएगा बच्चों? तो पीएस अपान पी नॉट इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? वन माइनस एक्स विले आ गया। या बच्चों अगर हम एक्स विले चाहें यहां से, तो आपका क्या आएगा? वन माइनस पी एस अपान पी नॉट। या बच्चों एक्स विले इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। तो ये बच्चों हमारा क्या निकल के आया, आपका फार्मूला निकल के आया। इसे बच्चों आप याद रखें। अगर बच्चों आपका किसी भी घटक का मोल फ्रैक्शन निकालना हो इन टर्म ऑफ मोल में, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको पता है कि एक्स विले अगर आपको निकालना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एन विले बटे एन विले प्लस बच्चों एन विलायक। तो यहां से बच्चों यदि आप देखें तो आपका क्या आ रहा है? एन विले प्लस एन विलायक। अच्छा बच्चों आप ये बताइए, अगर हम एन विले को हम स्मॉल एन से शो कर दें और जो एन विलायक है उसे हमने कैपिटल एन से शो कर दिया, तो आपका जो एन इक्वल टू क्या निकला बच्चों? फिर एन बटे एन प्लस एन। ये चीज हम पा गए यहां से। तो आइए यहां हम रखें इसे, तो एन बटे एन प्लस एन इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। आपको पता है बच्चों कि आपने जो विले घोला है, जो विले घोला है उसकी मोलों की संख्या आपके विलायक की मोलों की संख्या के तुलना में बहुत कम है। मतलब क्या आप यहां पर कह सकते हैं कि आपका n is greater than small n। तो बच्चों अगर इसका उपयोग यहां पर करें तो n इक्वल टू आपका स्मॉल एन अपान कैपिटल एन इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपान क्या आ गया बच्चों? पी नॉट आ गया। और यदि बच्चों ये भी आपका एक फार्मूला हो गया, ये भी बच्चों क्या निकल गया? आपका एक फार्मूला निकल गया। और यदि यहां पर एन इक्वल टू आप रखना चाहें, तो आपको पता है कि मोल बराबर क्या होता है बच्चों? विले का भार अपान मोलर द्रव्यमान। तो विले है बच्चों आपका, मोल निकालेंगे तो भार अपान मोलर द्रव्यमान बच्चों। तो आप विले ले रहे हैं, अगर आप विले ले रहे हैं बच्चों तो हमने बताया आपका, अगर आपने विले लिया तो क्या लिखेंगे? W विले का भार अपान विले का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर हमने स्मॉल W कर दिया और आपका जो विले का द्रव्यमान हमने क्या कर दिया बच्चों? स्मॉल M कर दिया। और यदि विलायक के लिए आप लिखेंगे बच्चों, विलायक के लिए फार्मूला आप लिखें, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों कैपिटल W अपान कैपिटल M। तो ये आ गया। और यदि यही दोनों आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका जो फार्मूला आएगा बच्चों वो आपका क्या आएगा? एन बराबर डब्ल्यू अपान एम, और इस एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपान एम। तो आपका जो फार्मूला निकल के आया वो आया डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और आपका कैपिटल एम बटे ये एन है बच्चों। अगर आप इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या आएगा बच्चों? कैपिटल W इंटू स्मॉल m इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, यही फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। केवल एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसका बच्चों डेरिवेशन देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वास्पद आपका आपेक्षिक ऑर्नमन
आपकी एग्जाम में पूछे और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं, और तीनों जो आपके डेरिवेशन नहीं कराए जाएंगे क्योंकि उनके आने की जो पॉसिबिलिटीज है न के बराबर है। तो ये क्या रहा बच्चों, ये फार्मूला को आप लर्न कर लीजिएगा, याद रखिएगा। और याद कैसे करेंगे, छोटा डब्लू, अब छोटा डब्लू के साथ बड़ा यम होगा और जो बड़ा डब्लू होगा उसके साथ छोटा यम होगा। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब इसे आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब बच्चों इस पर हम आपका एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि आपके यहाँ से एक डेरिवेशन आ सकता है बच्चों, या तो न्यूमेरिकल आएगा। अब देखिए लॉकडाउन तो था, तो आशा है कि आपका यहाँ से डेरिवेशन ही पूछेगा। तो ये रहा आपका फार्मूला, और ये फार्मूला आप बच्चों या जैसा कि बच्चों यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है जो आपका वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके क्वेश्चन में क्या क्या डाटा हमें गिवन है और इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है बच्चों, 0.850 mmHg है, तथा इसका द्रव्यमान 39.0 ग्राम है, तथा इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, तो इसका वाष्प दाब कितना आ जाता है बच्चों, 0.845 mmHg हो जाता है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया है बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब दिया है किसका बच्चों, बेंजीन का, तो पी नाट जो बच्चों बेंजीन निकला, पी नाट बेंजीन वो कितना दिया बच्चों आपका, 0.850 दिया है। और जिसका द्रव्यमान दिया है बच्चों, जो बेंजीन का द्रव्यमान दिया है वह आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या है 39 है आपका। और बच्चों आपका जो अवाष्पशील विलेय है मतलब छोटा बब्लू, छोटा डब्लू, वो क्या है बच्चों, 0.5 ग्राम है बच्चों। और वाष्प दाब जब आपने घोल दिया है तो वाष्प दाब कितना है, मतलब पीएस कितना दे दिया बच्चों, 0.845 mmHg दे दिया। और हमसे पूछ लिया विलेय का मोलर द्रव्यमान, यम छोटा यम आपको पूछ लिया। तो आपको एक फार्मूला तो पता ही बच्चों कि पी नाट, पीएस और आपका छोटा डब्लू और आपका यम और बड़े डब्लू में क्या रिलेशन होता है। तो मतलब आपका ये क्वेश्चन वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से है। तो आपको सूत्र पता है बच्चों, सूत्र क्या होता है, पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट, ये बच्चों आपेक्षिक अवनमन हो गया, इक्वल टू छोटा डब्लू इंटू बड़ा यम अपान बड़ा डब्लू इंटू छोटा यम। तो ये फार्मूला बहुत ही आसानी से बच्चों आप याद रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए आपको क्या क्या डाटा दिया है, पी नाट मालूम है बच्चों, पी एस मालूम है, और आपका डब्लू छोटा डब्लू मालूम है बच्चों, बड़ा डब्लू ये भी मालूम है बच्चों, लेकिन यहाँ पर हमें यम पूछा है और बेंजीन का यम दिया है बच्चों, नहीं दिया। तो आओ कैलकुलेट करें, C6H6 मतलब 6 गुणे कार्बन का द्रव्यमान और प्लस 6 गुणे हाइड्रोजन का द्रव्यमान। जब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 गुणे कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होगा, तो 72 हो गया बच्चों, और 72 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया, 78 आ गया। मतलब आपको ये भी डाटा मिल गया, केवल आपको स्मॉल यम चाहिए, उसे हम कैसे निकालेंगे बच्चों और देखें। तो आप इसके पी नाट इक्वल टू क्या रखेंगे, 0.850 माइनस पी एस इक्वल टू बच्चों 0.845 अपान पी नाट इक्वल टू बच्चों 0.850 इक्वल टू
स्मॉल डब्ल्यू क्या दिया है बच्चों, हाँ 0.5 दिया है, और बड़ा एम तो बच्चों कितना है 78 है, बटे डब्ल्यू, बड़ा डब्ल्यू बच्चों दिया है, हाँ 39 दिया है बच्चों, और स्मॉल यही पूछा है बच्चों आपसे। तो आप यहाँ से घटाएंगे बच्चों तो 10, 10 में से 5 के बच्चों 5, और यहाँ पे 4 बचे, 4 में से 4 के 0, और बच्चों 8 यहाँ पर है, और 8 में से बच्चों 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, तो ये आ गया बच्चों अपान 0.850। और देखिए बच्चों 39, 52, 65 और 78 ये आ गया आपका, मतलब 0.5 × 6 अपान 3 × स्मॉल m, तो ये डाटा बच्चों यहाँ पे आ गया। अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करना चाहें तो क्या आएगा बच्चों, तो आपका क्या आएगा, तो जैसे देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है आपके, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक, तो ये आपका कैंसिल हो गया बच्चों। तो देखिए 5 से आपका कटा, 5 का नम 5, 3 बचा बच्चों तो 3 5 हो गया, 5 × 7 = 35 और 0 बच्चों 170 आ गया ये, और मतलब यदि आपका क्या है बच्चों 1 upon 170 = 0.5 × 6 upon 3 × m, अगर बच्चों यम चाहिए तो यम आप यहाँ पर भेजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए बच्चों, तो यम इक्वल टू आपका क्या आ गया 0.5 × 6 upon 170। और बच्चों यदि हम आपका सॉल्व करें एक बच्चों यहां पर आपको थोड़ा सा मिसिंग है, यदि बच्चों यहां से आप देखिए आपका क्या आ गया 1 upon 170 = 0.5 × 6 upon 3 × बच्चों क्या आ गया आपका यम आ गया, तो यम बच्चों हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहां पर आ गया, तो यम इक्वल टू क्या आ गया बच्चों आपका 0.5 × 6 upon 3, और यहां बच्चों क्या 170 है, तो क्या 3 × 2 = 6 बच्चों। तो देखिए यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 = बच्चों कितना आ गया आपका 10 आ गया, तो 10 आ गया बच्चों, एक अंक के बाद डेसिमल है तो हमने एक अंक के बाद डेसिमल लगा दिया, और इंटू 170 आ गया बच्चों, तो इसे आप मल्टीप्लाई करें तो 170 आपका क्या आ गया, इसका द्रव्यमान आ गया 170 ग्राम, इसका बच्चों क्या आ गया आपका द्रव्यमान आ गया। तो ठीक है बच्चों यहाँ पर जो आपका आंसर आया 170 आ गया बच्चों। तो यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और ये क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण मानकर चलेगा क्योंकि वास्तव में आपके आपेक्षिक अवनमन का हो सकता है आपसे डेरिवेशन पूछे और हो सकता है आपसे यहाँ से क्वेश्चन आए। अब बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम उसको देखेंगे और अगले दिन आपको रिप्लाई करेंगे बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।